हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेट एकेडमी। नेक्स्ट मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 6 नेटवर्क थ्योरी पे भी सबके पास क्वेश्चन है। ये आज का क्वेश्चन है आपके पास और ये सबसे आसान क्वेश्चन था मेरे अकॉर्डिंग। इस पेपर का सबसे आसान क्वेश्चन यही आया होगा क्योंकि क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। आपको अगर थोड़ा सा भी ग्राफ थ्योरी के बारे में आइडिया है और ग्राफ थ्योरी का आप थोड़ा सा भी नॉलेज रखते हो, एक इलेक्ट्रिकल ब्रांच में गेट का जो सिलेबस है उसमें ग्राफ थ्योरी उनको चैप्टर में रहता है, तो ग्राफ थ्योरी जो है आपके पास वो सिलेबस का पार्ट है। आपको इतना बेसिक आना चाहिए। कितना बेसिक आना चाहिए आपके पास कि आपके पास गिवन है कि एक नेटवर्क है, उस नेटवर्क में 8 नोड्स है, आपके पास 5 इंडिपेंडेंट लूप्स है और देन नंबर ऑफ ब्रांचेस इन द नेटवर्क, ये फाइंड आउट करना है। तो आपके पास एन नोड्स गिवन है, जो नोड्स की वैल्यू है एन नोड्स गिवन है और आपके पास 5 इंडिपेंडेंट लूप्स है। 5 इंडिपेंडेंट अगर आपके पास लूप्स है कि लूप्स आपके पास 5 है, इसको बोलते हैं नंबर ऑफ लिंक्स। नंबर ऑफ लिंक्स की वैल्यू 5 है। हमेशा अगर आप ग्राफ थ्योरी जानते होंगे तो इन टाइसेट मैट्रिक्स, जब आप टाइसेट मैट्रिक्स बनाते हैं तो नंबर ऑफ जो आपके पास लिंक्स होते हैं उतना ही नंबर ऑफ फंडामेंटल लूप करंट होता है। तो नंबर ऑफ फंडामेंटल लूप्स करंट इक्वल टू नंबर ऑफ लिंक्स होते हैं। नंबर ऑफ फंडामेंटल लूप करंट इक्वल टू या नंबर ऑफ लूप, नंबर ऑफ लूप्स फंडामेंटल लूप्स इक्वल टू नंबर ऑफ लिंक्स होते हैं, नंबर ऑफ लिंक्स होते हैं। एल लिख दिया हमें। अगर मैं ट्री की बात करूं तो ट्री में आपके पास जो ट्विक्स होता है, ट्विक्स ट्री ब्रांचेस, ट्विक्स मतलब ट्री ब्रांचेस, नंबर ऑफ ट्री ब्रांचेस। कितना आपके पास ट्विक्स होता है ट्री ब्रांचेस, वो हमेशा एन माइनस वन होता है। तो नंबर ऑफ नोड्स कितना तैयार था, नंबर ऑफ नोड्स आपके पास 8 था, तो एन की वैल्यू आपके पास ये हो गया। अगर मैं बोलूं कि आपके पास किसी भी नेटवर्क में नंबर ब्रांचेस क्या होता है, तो ब्रांचेस इक्वल टू होता है ट्विक्स प्लस लिंक्स, ट्विक्स प्लस लिंक्स इक्वल टू ब्रांचेस होते हैं किसी नेटवर्क में नंबर ऑफ, क्योंकि आपके पास जो ट्री ब्रांचेस होता है उसको ट्विक्स बोलते हैं, जो एब्सेंट होता है वो लिंक्स होता है। दोनों को मिला दिया जाए तो आपके एक ग्राफ बन जाता है। ग्राफ मतलब एक नेटवर्क का टोपोलॉजी, एक नेटवर्क को जो मैं रिप्रेजेंट करता हूं टोपोलॉजी से, दैट मींस द ग्राफ। तो नेटवर्क में ब्रांचेस कितना होगा, ट्विक्स प्लस लिंक्स, तो ट्विक्स की वैल्यू कितना है 7, लिंक्स की वैल्यू कितना है 5, तो आंसर कितना आ गया 12, ये आपके पास आंसर आ गया। और मैं बोल सकता हूं कि बहुत सारे लोग ऐसा लिखते हैं आपके पास कि ग्राफ थ्योरी में नंबर ऑफ ब्रांचेस का नंबर ऑफ, आपके पास अगर मैं बोलूं कि नंबर ऑफ लिंक्स का फॉर्मूला क्या होता है, तो नंबर ऑफ लिंक्स का फॉर्मूला बहुत सारे लोग जानते हैं, बी माइनस एन प्लस वन होता है। ये बहुत ही बेसिक फॉर्मूला है जो बहुत ही, जितने लोग भी प्रिपेयर करते होंगे, जितने भी टीचर पढ़ाते होंगे, नंबर ऑफ लिंक्स के फॉर्मूले में स्टार जरूर डलवाते होंगे कि नंबर ऑफ लिंक्स का फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है भाई। इतना सिंपल सा क्वेश्चन इतने सालों में कई बार आता रहता है। तो एल इक्वल टू बी माइनस एन प्लस वन, नंबर ऑफ जो लिंक्स है नंबर ऑफ फंडामेंटल लूप थे ये 5 दिया था, ब्रांचेस आपको निकालना था और एन की वैल्यू आपके पास 8 गिवन था, 8 प्लस 1, तो बी का रिजल्ट आ गया आपके पास 5 प्लस 8 माइनस 1, तो आंसर कितना आ गया 12। तो लोग इस फॉर्मूले को यूज किए होंगे तो भी सही, लोग इस चीज को जानते होंगे तो भी सही। तो मेरे को लगता नहीं है कि ये क्वेश्चन किसी से गलत होना चाहिए, तो आंसर आपके पास 12 आएगा। हाँ, ऐसा जरूर हो सकता है कि कोई इस बारे में जानता ही ना हो। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट होंगे जो सेल्फ स्टडी कर रहे होंगे और कई बार सेल्फ स्टडी करते करते लोग ग्राफ थ्योरी वगैरह नहीं पढ़ते। ग्राफ थ्योरी बहुत आसान सा और सिंपल टॉपिक होता है, बिल्कुल भी टफ नहीं होता है, लेकिन फिर भी मेरे को लगता है कि ऐसे कुछ लोग होंगे इंडिया में जो कि सेल्फ स्टडी कर रहे होंगे और वो सोच रहे होंगे ग्राफ थ्योरी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि इतना फ्रिक्वेंटली नहीं आता आपके पास। अगर आप लास्ट 10 ईयर्स के क्वेश्चन देखोगे तो आपको ग्राफ थ्योरी के ज्यादा क्वेश्चन नहीं मिलेंगे, लेकिन आईआईटी वाले इस चीज का बहुत केयर करते हैं। जो चीजें बहुत सालों में नहीं आती है या जो फ्रिक्वेंटली आपके पास नहीं आ रही, वो सब आएगा एग्जाम में, वो सब का सब आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा एग्जाम में। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आप किसी भी चीज को कभी मिस ना करें। किसी सिंपल टॉपिक को आप ये ना सोचें कि इस टॉपिक से तो लास्ट 6 ईयर से क्वेश्चन नहीं आया तो इस बार भी नहीं आएगा, नहीं, आईआईटी वाले इस चीज का केयर करते। तो आपको एक अच्छा स्टूडेंट बनना है, एक स्मार्ट स्टूडेंट बनना है आपके पास, आपको स्मॉल स्मॉल टॉपिक के बारे में केयर करना है क्योंकि एक वन मार्क क्वेश्चन बहुत मैटर करता है। ये कितना सिंपल क्वेश्चन था, आप देख सकते हो, किसी को फॉर्मूला पता था तो 12, किसी को कंसेप्ट पता था तो 12, इसका मतलब क्वेश्चन सिंपल से 10 या 15 सेकंड का था और आपके पास नंबर ऑफ ब्रांचेस 12 आ जाता। क्लियर? तो बनने वाला क्वेश्चन था, आप समझ सकते हो कितना इजी क्वेश्चन भी एग्जाम में रहता है और इतने इजी क्वेश्चन का आंसर दिया जा सकता है। बट इतना आपको पता हो कि अगर आपके पास इंडिपेंडेंट लूप्स बोल रहा है, आपके पास 5 इंडिपेंडेंट लूप्स, तो आपको पता हो कि नंबर ऑफ लिंक्स है, ये एट नोड्स बोल रहा है तो आपको पता हो, ब्रांचेस का रिलेशनशिप पता हो, तो बहुत इजीली सॉल्व किया जा सकता है। ठीक है, ओके, थैंक यू।